हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल बिहारी खिचड़ी। खूब सारी सब्जियों के साथ हम बनाएंगे ये पौष्टिक और एकदम टेस्टी बिहारी खिचड़ी। तो चलिए देखें इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने सब्जियों को पहले से ही काट के रख लिया है, जिसमें है गाजर, पालक, बैंगन और फूल गोभी। साथ में यहाँ पे मैं थोड़े से हरे मटर भी ले रही हूँ। खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैं गोल दाना खुशबू वाले चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल चावल से भी खिचड़ी बना सकते हैं। ये मैंने एक कटोरी नाप कर चावल लिया है। इसके साथ आधा कटोरी मैं मूंग की दाल ले रही हूँ। ये बिना छिलके वाला मूंग दाल है। इसे भी चावल के साथ मिला देना है और सभी चीजों को हम 3 से 4 बार अच्छे से धोकर रख लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने चावल को अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम तैयार करेंगे खिचड़ी के लिए मसाला। मसालों के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है अदरक और लहसुन। ये 2 इंच अदरक है और 15 कली लहसुन है। साथ में मैं ले रही हूँ थोड़े खड़े मसाले, जिसमें है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और जावित्री। साथ में 1 तेज पत्ता। इन सभी चीजों को अच्छे से पीस कर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है। खिचड़ी के लिए हमने सभी चीजों को तैयार करके रख लिया है। अब चलते हैं हम खिचड़ी बनाने। इसके लिए एक पतीले में सरसों का तेल गर्म करके इसमें मैं डाली हूँ मिर्ची और प्याज। इन सभी चीजों को अच्छे से फ्राई कर लेना है और फिर हम एक एक करके इसमें सभी सब्जियां डालेंगे। सब्जियों को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम डालेंगे इसमें मसाला, जो हमने पहले से ही तैयार करके रख लिया था। इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेना है और फिर डालेंगे हम इसमें दाल और चावल। दाल चावल डालने के बाद सभी चीजों को अच्छे से फ्राई कर लेना है 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। चावल दाल को अच्छे से मैंने पका लिया है। अब डालना है इसमें पानी। जिस कटोरी से नाप के मैंने 1 कटोरी चावल लिया था, सेम उसी कटोरी से नाप के यहाँ पे 4 कटोरी मैं पानी डाल रही हूँ। खिचड़ी बनाते वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि खिचड़ी बहुत ज्यादा सूख गया है और इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालते रहें। अब यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटी चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। सभी चीजों को अच्छे से मिला लेना है और गैस के फ्लेम को मीडियम करके इसे ढक ढक कर तब तक पकाना है जब तक चावल, दाल और सब्जियाँ अच्छे से सींझ ना जाए। ये देखिए, खिचड़ी को पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो गया है। आप देख सकते हो खिचड़ी जो है वो थोड़ा सूख गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर और पकाएंगे। ये देखिए, खिचड़ी को पकाते हुए लगभग 15 मिनट और हो गया है। आप देख सकते हैं खिचड़ी एकदम बनकर तैयार है। चावल, दाल, सब्जियां सब सीज गई है। अब गैस के फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसमें खूब सारी धनिया की पत्ती डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। गर्मा गर्म टेस्टी और पौष्टिक बिहारी खिचड़ी बनकर तैयार है। आप सब मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
हमारे घर पे ये खिचड़ी एवरी सैटरडे बनता है और हम इसे सर्व करते हैं आलू बैगन टमाटर के चोखे के साथ, साथ में थोड़ा सा पापड़, अचार और शुद्ध देसी घी।